Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. द्वारकाबाई साहब के जावाई साहब का खेल होगा क्या खत्म। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, इसके ऊपर बात करते हैं। पहले भाई गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी दबा देता है, जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से जो है द्वारकाबाई साहब के जावाई साहब है वो घोटाले पे घोटाला करते जा रहे हैं और उनको इस बात का कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है बल्कि, कि मैं मल्हारा होलकर का दामाद हूं, मेरा हिसाब कोई चेक नहीं कर सकता, मैं भले ही कुछ भी करूं। कैसे वो पन्ने फाड़ के हिसाब में गड़बड़ करते, कहते हैं गंगूबा को भेज दो, गंगूबा को आंखें बंद करके उसको पास कर ही देंगे। तो लेकिन अब यहाँ पे अहिल्या के शिक्षित होने का किन किन लोगों को नुकसान होगा, किन किन लोगों के घोटाले अहिल्या सामने लाएगी, किन किन लोगों को करेगी पर्दाफाश। तो किस्मत भी जो है अहिल्या के साथ है और किस्मत भी जो बुरे जो शैतान लोग हैं अभी उनके कुछ खिलाफ ही जा रही है, क्योंकि एन मौके पे अहिल्या वहां पे पहुंच जाती है। आपने देखा कि कैसे जो है हिसाब देखा जा रहा है, जावेद साहब भी वहां पे खड़ा है और साथ में गंगूबा साहब देख रहे हैं और गौतमा भाई साहब बैठी है कुर्सी पे। इतने में उनके लिए जलपान का कुछ व्यवस्था के लिए अहिल्या आ जाती है और देखते ही अहिल्या की नजर कैसे ना पड़े इन चीजों के, फाइल के ऊपर नजर पड़ती है और देखते कहती है ये तो गलत है। और अब किस तरीके से जो है उसकी तो मुनीम जी का चेहरे का रंग तो सफेद हो जाता है, हो गया, लेकिन क्या कल जो है अहिल्या करेगी एक्सपोज या फिर कोई ना कोई बहाना लाके। फिलहाल ये जो जावेद साहब है बच जाएंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी इनका जो भंडाफोड़ किया जाएगा, इनके हिसाब किताब का, इनके काले कारनामों का, या फिर वो सीधा का सीधा मुनीम के ऊपर ही दोष लगा देंगे। तो क्या कहते हो कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।